आज की वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, पासिंग मीन्स होता है गुजरना, ऑफ द आर्थर, आर्थर एक राजा का नाम है जो कि इंग्लैंड में थे, उनका नाम आर्थर था। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, राजा का गुजरना यानी कि मरना। बच्चों ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है और लॉर्ड टेनिसन एक बहुत ही मशहूर कवि हैं। इन्होंने एक लंबी पोएम लिखी है मोर्टे डी आर्थर, और उसी लॉन्ग पोएम से ये पोएम ली गई है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। बहुत पहले की बात है, इंग्लैंड में एक राजा थे। एक बार लड़ाई हुई और लड़ाई में उनके सारे सैनिक मारे गए और राजा खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गए। राजा की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और वो अपनी तीन रानियों के साथ नाव में बैठ करके एविलियन द्वीप पर जाने के लिए तैयार थे। और किंग आर्थर जो थे, इनके एक सरदार थे, उनका नाम था वेडवियर, वो उनके सामने खड़े थे। और जब नाव चलने लगी तो राजा आर्थर सर वेडवियर को समझाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। और उन्हें समझाते हैं कि जीवन में, इस दुनिया में परिवर्तन होता रहता है और हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बॉर्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कहते हैं कि स्लोली आंसर्ड, स्लोली मैंने धीरे से, आंसर मैंने उत्तर दिया आर्थर जो कि इंग्लैंड के राजा थे, फ्रॉम द बॉर्ज, बॉर्ज में होता है नाव, नाव में बैठे हुए राजा आर्थर जो है अपने सरदार सर वेडवियर से धीमे से कहते हैं। धीमे से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। उनको समझाते हुए कहते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग माने आ जाने पर, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए नियम आ जाने पर, यानी कि पुराने नियम बदल जाते हैं नए नियम के आ जाने पर। अर्थात दुनिया में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, एक नियम आता है दूसरा नियम चला जाता है। एंड गॉड फुलफिल्स, और कहते हैं कि जो ईश्वर है फुलफिल्स माने पूरा कर देता है, हिंसल माने सब इन मैनी वेज, और भगवान कई प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, इसलिए हमें भगवान में विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। आगे कहते हैं कि लेस्ट वन गुड कस्टम, कस्टम माने रीति रिवाज, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रीति रिवाज, सुख करप्ट माने खराब कर देना, दवड़ माने दुनिया को, कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा रीति रिवाज जो है दुनिया को खराब कर दे, इसलिए दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, नियम बदलते रहते हैं। आगे कहते हैं अपने सरदार सर वेडवियर को समझाते हुए राजा आर्थर कहते हैं कि कम्फर्ट था, इसलिए कम्फर्ट माने धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो, उनको सांत्वना दे रहे हैं। फिर कहते हैं व्हाट कम्फर्ट इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, क्या सांत्वना दे सकता हूँ, क्योंकि वो खुद बुरी तरीके से जख्मी थे। आगे अपने बारे में बताते हैं कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को जिया, एंड दैट विच आई हैव डन,
और मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया मैं ही भगवान के लिए है। मैं ही विधिन हिमसेल्फ हिंसे मैंने खुद मेक प्योर, भगवान मेरे किए हुए कार्य को शुद्ध करे, जो गलतियाँ हों भगवान उसे माफ़ करे। फिर कहते हैं बट मन लेकिन, बट थू थू मने लेकिन, बट थू लेकिन यदि, यू बट थू थू माने तुम, बट थू इफ माने यदि, इफ थू थू माने तुम, सोल्जस्ट माने कंधा लेकिन यह कहेंगे चेहरा, इफ थू सोल्जस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देख सके, यदि तुम्हारी हमारी मुलाकात दोबारा ना हो सके, क्योंकि वो बुरी तरीके से जख्मी थे और उनकी दोबारा मुलाकात होने की कोई संभावना नहीं थी। तो कहते हैं यदि मेरी तुम्हारी मुलाकात दोबारा जीवन में ना हो सके तो प्रे माई फॉर सोल, प्रे माने प्रार्थना करना, मेरी अंतरात्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। फिर कहते हैं कि भगवान, फिर राजा आर्थर समझाते हुए सर्वबीर कहते हैं और उन्हें भगवान की प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। कहते हैं कि मोर थिंग्स आर रप्ट, मोर थिंग्स माने कई कार्य, रप्ट माने पूरे हो जाते हैं भाई प्रेयर, भगवान की प्रार्थना करने से बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे पूर्ण हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, इस दुनिया में सोचने की बजाय ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए और भगवान की हमें प्रार्थना या पूजा करनी चाहिए। फिर कहते हैं वेयर फोर माने अतः, लेट थी वॉइस अपनी आवाज़ को, अतः अपनी आवाज़ को, राइस माने उठाना, लाइक ए फाउंटेन माने एक फव्वारे की जैसे, फॉर मी नाइट एंड डे और दिन और रात यानी कि हमेशा, तुम अपनी आवाज़ को मेरे लिए उठाते रहना। फिर कहते हैं कि वाट फॉर वाट आर मेन बेटर देन सीप्स आर गोट, सीप्स आर गोट माने भेड़ बकरियाँ। कहते हैं फॉर वाट आर मेन बेटर देन सीप्स आर गोट, कि जो भेड़ बकरियाँ जो हैं वो मनुष्य अच्छे होते हैं, भेड़ बकरियाँ मनुष्य अच्छे होते हैं। दैट माने जो कि, नर्स माने बिताते हैं, ब्लाइंड लाइफ माने अंधकार में जीवन, विदिन द ब्रेन मस्तिष्क से। कहते हैं कि भेड़ और बकरियाँ आदमी से अच्छे होते हैं जो कि अपने मस्तिष्क से अपना जो है अंधकार में जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए भेड़ बकरियाँ आदमी से अच्छे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। फिर कहते हैं कि इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी लोग, इंसान लोग भगवान को जानते हैं, नोइंग गॉड ईश्वर को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट ट्रांसफर पेयर, लोग भगवान को जानते हुए भी भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं। इस किसके लिए, बोथ फॉर देमसेल्फ, ना तो अपने लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ना ही अपनों के लिए जो अपने दोस्त होते हैं, ना वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ना अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ना दूसरे लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए और भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कहते हैं फॉर माने क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि जो पूरी गोल पृथ्वी है, इज इब्रिए माने हर प्रकार से, बाउंड माने बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, गोल्ड चेन माने सोने की जंजीर द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ भगवान के पैर से। कहते हैं क्योंकि जो हमारी पूरी गोल पृथ्वी है हर प्रकार से भगवान के पैर से, सोने की जंजीर से जुड़ी हुई है, अर्थात हम सबका ईश्वर से सीधा संपर्क है, सीधा कनेक्शन है, भगवान हर हम सबको देखता है क्योंकि हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं। हम सबका भगवान में विश्वास होना चाहिए। बट नाउ फॉरवेल, फॉरवेल में अलविदा, कहते हैं कि अलविदा। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पोएम समझाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।